बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्किल्स विद डीएस। फ्रेंड्स, दिस इज़ द कोर्स अबाउट एडोब फोटोशॉप और एडोब फोटोशॉप 7.0 में हम आज सीखेंगे कि हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं तमाम कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्रोम ओपन करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है एडोब फोटोशॉप 7.0 डाउनलोड। तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ से आप एक सिलेक्ट कर लें एडोब फोटोशॉप 7.0 डाउनलोड। ये ऑप्शन आ गया, मैंने इसको जस्ट क्लिक डाउन किया एंड स्क्रॉल डाउन करें तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक आउट करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ये देखिए सामने आप लिखा हुआ है कि फ्री डाउनलोड, और ये है 160 MB का होगा। ये जो फ्री वर्जन है एडोब फोटोशॉप 7.0 का, तो ये है 160 MB का। तो इसको आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो आपका अगेन ये ऑप्शन आ जाएगा नीचे डाउनलोड। तो यहाँ से आपने डाउनलोड करना पर क्लिक करना है तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। और ये हो गया, हो चुके डाउनलोड, नहीं बल्कि थोड़ा सा इससे टाइम लगेगा, हो जाएगा थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर लाजमी किया करें, कमेंट भी लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप भी सीखना चाहते हैं। तो हमारे जो न्यू कोर्सेज आने वाले हैं वो और वर्चुअल असिस्टेंट पर बेस्ड हैं, अमेज़ोन और फ्री लॉन्सिंग, ये तमाम जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं उसको उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह भी फ़ायदा उठा लेंगे। जब तक हमारा डाउनलोड होता है हम नेक्स्ट देखते हैं हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब हमने जैसे यहाँ क्या करना है कि एडोब फोटोशॉप 7.0 डाउनलोड पहले लिखा था, अब आपने क्या लिखना है कि गेट इन टू पीसी लिख सकते हैं, इससे भी आपका आ सकता है, और या फिर आप सॉफ्ट टॉनिक लिख सकते हैं। तो गेट इन टू पीसी लिखेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेंगे और आपके पास वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये देखिए, मैंने जैसे इसको फर्स्ट वाले को ओपन किया तो ये हमारे पास इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ चुके हैं। और यहाँ से हम इसको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से हम जस्ट सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड हेयर, तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब है कि हम इसको बाय सॉफ्ट टॉनिक भी कर सकते हैं, गेट इन टू पी सी भी आप लिख सकते हैं, बाय सॉफ्ट टॉनिक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा पी सी में, लैपटॉप में अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्ट टॉनिक लिखेगी तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है उसी को आप सिलेक्ट कर लिया करें। दिस इज़ द पेड वर्जन ऑफ एडोब फोटोशॉप। तो आपने क्या करना है, एडोब फोटोशॉप 7.0 फ्री वर्जन यूज़ करना है और जस्ट आपने डाउनलोड गेट इन टू पीसी लिखना तो आ जाएगा। हमारा जो ये फ्री वर्जन है वो डाउनलोड यहाँ हो चुका है, तो हम इसको क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ये इस तरह का फॉर्म होगा कि हमारा ये डाउनलोड हो चुका है एडोब फोटोशॉप। इसको मैं कट करती हूँ, अपने जहाँ रखना है इसको सेटिंग कर लेनी है। मैंने इसको यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। सो यहाँ ओपन करें जस्ट, ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन इसके बाद एक जो है मैसेज आएगा इस तरह का, बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आपने इसको अनजिप करना होगा। यहाँ आप अनजिप करेंगे तो यहाँ जो ब्राउज़ का जो ऑप्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, जहाँ पे आपने इसको ब्राउज़ किया है। ओके कर देंगे, यहाँ देखिए यहाँ मैं ब्राउज़ कर रही हूँ, मैंने कहाँ इसको रखना है ये भी मैंने सोचा मैं अगेन आपको बता दूँ। यहाँ से इसको ब्राउज़ करना है, मैंने इसको सॉफ्टवेयर में रखा और अगेन इसको मैंने अनजिप किया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि हमने क्या करना है, अनजिप करना है, ज़िप करना है, क्या करना है। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि मुझे वाकई में इसकी वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ से आपने सबको क्लोज़ कर देना है, उसके बाद हम अगेन ओपन करेंगे जहाँ हमने इसको रखा था।
मैंने इसको सॉफ्टवेयर में रखा है, तो यहाँ से मैं क्विक एक्सेस में से ऊपर निकल रही, तो मैं वहीं से सॉफ्टवेयर में जाके इसको मैं ओपन करूँगी। और ये देखिए हमारा ये आ चुका है, हमारा इस तरह का वो इंटरफेस होगा उसका एडोब फोटोशॉप का। यहाँ सेटअप का जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे, ये हमारा सेटअप जो है इसका ओपन हो रहा है। ये आपको छोटा सा कंप्यूटर का जो नज़र आ रहा है सेटअप लिखा हुआ, तो यहाँ से आप इसको सेटअप ओपन करेंगे तो इस तरह की डाउनलोडिंग होगी और ये सारी ऑप्शन आएंगे। आपने इसको जस्ट नेक्स्ट करते जाना है। ओके नेक्स्ट, लैंग्वेज वगैरह ये सब कुछ नेक्स्ट आपने इसको करते जाना है, ये चीज़ आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हमें लिखना क्या है। जो न्यू होते हैं स्पेशली उन्हें पता नहीं होता, यहाँ आपने कुछ भी लिख देना है कोई इशू नहीं है। कुछ भी लिख दें नाम में, टाइटल में और लास्ट नेम में, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन चीज़ है इसमें वो है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वो आप सोचते हैं कि हम कहाँ से लाएं सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर तभी डाउनलोड हो जाता है जब हम एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करते हैं। जहाँ आपने इसको रखा होगा उसी के नीचे ही आपका सीरियल नंबर भी मौजूद होगा। यहाँ से आपने कॉपी करना है सीरियल नंबर को, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, या यहीं से आप माउस के ज़रिए से भी कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, या माउस के ज़रिए से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके पेस्ट करके आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, क्या ये आप परफेक्ट है ये सारी चीज़ें, तो ओके कर देना है। अब नेक्स्ट अब है पहला वाला जो है वो बहुत ही सिंपल है, तो हमने जो वरियल लेना है इसका कस्टम लेना है और ब्राउज़ कर देना है। यहाँ देखिए यहाँ मैं ब्राउज़ कर रही हूँ, सिंपली आपने इसको जस्ट क्लिक कर देना है। मैं ब्राउज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आप जहाँ भी अपने ये जो एडोब फोटोशॉप की तमाम चीज़ें वो रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर रख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ है क्या, और आपने इसको ओके कर देना है, सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते जाना है, ये सब चीज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, तो आपने नेक्स्ट करना है तो ये आपकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन इसके बाद हमारा जो एडोब फोटोशॉप कम्प्लीटली हमारा डाउनलोड हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इस हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा ये टाइम टेकन है बट इट्स ओके। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो इतनी जल्दी डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन इतने जल्दी डाउनलोड होता नहीं है वैसे। यहाँ आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और ये इस तरह का आपका एक फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा आफ्टर डाउनलोडिंग। तो लोडिंग के बाद ये ऑप्शन आएगा, इसको आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, तो आपका नेक्स्ट एक जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। और फिनिश करना है तो ये आपने इसको जस्ट ओके कर देना है सिंपली। तो ये इस मैसेज का कह रही हूँ कि ये आपको एडोब फोटोशॉप का मैसेज जाएगा। इन सबको आपने क्लोज कर देना है, वो जस्ट मैसेज था कि आप रीड आउट कर दें कि इसके इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये देखिए ये मैंने जो किया है जो डेस्कटॉप पर मैंने ब्राउज किया था, ये वो सारी चीज़ें हमारी डेस्कटॉप पर आ चुकी हैं, लेकिन ये सब आपको दिखाने के लिए था। तो आपने डेस्कटॉप पर ब्राउज नहीं करना, जहाँ आप रखना चाहते हैं इसे अपना जो सॉफ्टवेयर उसको रख दें, और इसको आपने जो सिंपली है इसको आपने ओपन कर लेना है एडोब फोटोशॉप को। तो ये भी थोड़ा टाइम टेकन है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके ओपन होने के लिए। और ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को फालतू चीज़ों को आपने क्लोज कर देना, कैंसिल कर देना। अभी हमने इसकी सेटिंग वगैरह को नहीं छेड़ना। तो मेरी जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और जो इसका जो मेरे चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ से आप इसको अपना कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं।